छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में आज खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की दर्जनों दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान में गंदगी पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक को फटकार लगाते हुए साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी ओर शहर के पन्ना नाका पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान स्वीट के कारखाने को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। हम आपको बता दें कि राजस्थान स्वीट के कारखाने में भारी गंदगी के बीच खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फटकार लगाते हुए निरंतर निरीक्षण करने और खाद्य सुरक्षा नियमों के विपरीत खाद्य सामग्री का निर्माण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि पुराने पन्ना नाका स्थित राजस्थान स्वीट के संचालक द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने का काम किया जा रहा था, जिसको देखते हुए एसडीएम अखिल राठौर के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक को हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर आज की कार्यवाही उपरांत छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज कहां कहां कार्रवाई हुई है और दुकानें भी सील की गई हैं, किस प्रकार से कार्रवाई की गई? शहर के सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों पर आज मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि त्यौहार सर पर है और इस समय सबसे गंदगी एवं खराब सामान बेचने की संभावना रहती है। इसकी लगातार चेकिंग की जा रही है और तत्काल निर्देश दिए जा रहे हैं, जुर्माना किया जा रहा है कि अच्छा माल बेचें, अच्छे जनता को जनता को मिले, और इसी क्रम में विभिन्न दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, उन पर जुर्माना किया गया है। बीकानेर, राजस्थान, कृष्णा, दर्शन, इसी शिवहरे, इस तरह की विभिन्न दुकानों पर कार्रवाई की गई है और अलग अलग तरह से जुर्माने किए। मतलब राजस्थान स्वीट में सील की गई है। राजस्थान मिष्ठान भंडार एक पन्ना रोड पर है, उसका कारखाना सील किया गया क्योंकि बेहद गंदगी थी और शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे थे, इसलिए उस दुकान को सील किया गया है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए? हाँ, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था, उनको थाने भेजा गया है और ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।